आप सबका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर बाउंस बाउंस जंप अप वॉल्ट। बाउंस का मतलब बढ़ना, जंप करना, अप होना, ऊपर जाना। बाउंस का मतलब ऊपर जाना, जंप वॉल्ट। सेंसेक्स वॉल्स बाय 339 पॉइंट, मतलब सेंसेक्स जंप कर गया, बढ़ गया, इसका मतलब है। ठीक है। स्ट्रीक, स्ट्रीक ए लॉन्ग नैरो इरेगुलर लाइन। स्ट्रीक का मतलब एकदम पतली लाइन, एक पतली लंबी लाइन जो इरेगुलर है। जैसे आप सेंसेक्स के लिए देखेंगे या ग्राफ में देखेंगे बहुत सारी लाइन जिगजैग रहता है, उसको स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है। स्नैपिंग ए फोर डे लूजिंग स्ट्रिक शेयर प्राइसेस बाउंस बैक ऑन फ्राइडे। तो ये रहा स्ट्रिक का मतलब। आगे आइए ओवरहैंग। ओवरहैंग टू हैंग ओवर, प्रोजेक्ट ओवर। ओवरहैंग का मतलब हुआ टू हैंग ओवर, मतलब वन ऑफ द की रीजन फॉर शार्प फ्लक्चुएशन वाज एन ओवरहैंग ऑफ एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक By सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट ओवर मतलब खत्म हो जाना। ठीक है। टू हैंग ओवर। अप हीव, अप हीव और टू लिफ्ट अप, अप हीवल, अप लिफ्टिंग, ऊपर उठने की प्रक्रिया। टू लिफ्ट अप, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट अप। अप हीव, मार्केट अप हीवल, बाजार का ऊपर उठना। Market upheaval or not, Sony Entertainment Television is exploring the possibility of entering the capital market. Slash, cut, मतलब कटौती, cut in long strip, लंबा टुकड़ा। Upheap का मतलब ऊपर उठना, ये याद करना है आपको। उसके बाद slash, levy, collect, levy का मतलब collection, acquire tax, tax को जमा करना। Hound to hunt, hound का मतलब to hunt. Weak global market continue to hound the Bombay Stock Exchange benchmark Sensex. उसके बाद हुआ hope, hope का मतलब sudden fall, slump, अचानक गिरावट। एक ही वर्ड के कई मीनिंग है और कई वर्ड के एक ही मीनिंग है, थोड़ा इसको हुप स्लम सडन फॉल। और एक है डिप फॉल कोलैप्स टंबल क्रैश, सबका एक 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 ही मीनिंग है, गिरना गिरना गिरना। हुपिंग अचानक गिरना, एकाएक गिरावट। तो ये सेंसेक्स से जुड़ा हुआ ये सारे शब्द हैं, सेंसेक्स ओपन, सेंसेक्स क्लोज आप सुनते होंगे, तो इन सारे वर्ड को सुनिए बार बार, तो आप जब नए शब्द आएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हुपिंग का मतलब क्या है। हेज, फ्यू रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। हेज का मतलब है कि रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा, जोखिम कम और मुनाफा अधिक। हेजिंग ऑफर, कोई आदमी आपको बोलता है कि ये हेजिंग ऑफर है, ये हेज है, आप इसमें पैसा लगाइए, रिस्क कम है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, हेज। रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी, मंदी, रिसेशन पीरियड, मंदी की पीरियड। रिसेशन ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ट्रेडिंग बिकम लोअर देन सम डेज बिफोर। प्लंज, प्लमेट, प्लंज का मतलब गिर जाना, खत्म हो जाना, ये भी प्लंज है। सेंसेक्स प्लंज्ड या प्लमेटेड। 14 ब्लू चिप कंपनी, दोज कंपनीज हुज शेयर सेल्स ब्रिस्कली, वैसी कंपनियां जिसके शेयर तुरंत बिक जाते हैं, ब्रिस्कली मतलब तुरंत। प्लंज, प्लंज का मतलब डाउन होना। अब देखिए एक वर्ड है इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएट, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन। इन्फ्लेशन का मतलब भी नीचे गिरना। बुलिश, मार्केट कंडीशन टू बी वेल, बुलिश का मतलब बेहतर, आगे बढ़ना, ऊपर। अब बियर का मतलब डाउन। मार्केट इज बुलिश आफ्टर अश्योरिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, बुलिश का मतलब। तो ये सब वर्ड आपको सीखना है, जानना ज़रूरी है,
और इन सारे वर्ड को आपको जाने पहचाने होने चाहिए। फ्लक्चुएट का मतलब उतरना चढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब भी गिरने से रिलेटेड है। थैंक यू। मुद्रा स्फीति। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।